उनके इलाज के बारे में, उनके योग के बारे में जब चर्चा होती है तो किसी जादू की जैसी चर्चा होती है। बाबा रामदेव का दावा है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अपने इलाज की वजह से वो आजकल विवादों के घेरे में हैं। आरोप है कि उन्होंने आयुर्वेद के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या बाबा रामदेव पर उठे सवालों से देसी इलाज पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? आप अपनी राय MUK लिखकर 6388 पर SMS कर सकते हैं। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए हम लोग चलेंगे आज नासिक, जहां हमारे साथ मौजूद हैं बाबा रामदेव। उनसे पूछेंगे ये जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, और उनका कहना है कि उनके पास ढेर सारे जवाब हैं और मुकाबला के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हैं BP सिंगल। उनसे पूछेंगे कि अगर योग और आयुर्वेद इतना चमत्कारी है तो सारे अस्पताल बंद अब तक क्यों नहीं हो गए? हमारे दूसरे खास मेहमान हैं, तर्कवादी हैं, कलकत्ता से यहाँ आए हैं प्रबीर घोष। इनसे जानेंगे कि योग पर इनको क्या कहना है। इनसे ये भी जानेंगे कि देसी इलाज कितने कारगर हैं, और अगर देसी इलाज कारगर नहीं है तो इतने लोकप्रिय क्यों हैं। हमारे तीसरे खास मेहमान विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती सुहेल सेठ। इनसे जानेंगे कि सेहत के कारोबार में बाजार की कितनी भूमिका होती है। इसके अलावा हमारे साथ दो डॉक्टर हैं, दिल्ली में हैं GB पंत अस्पताल के सीनियर डॉक्टर SK सरीन। उनसे पूछेंगे कि देश में जो भी नामी भारी भरकम अस्पताल हैं उनके बावजूद देसी इलाज, बाबा और हकीम, इन पर लोगों को इतना भरोसा अब तक क्यों बना हुआ है? इसके अलावा हमारे साथ मुंबई में होंगे डॉक्टर प्रकाश कोठारी। उनसे जानेंगे कि इतना इलाज होने के बावजूद लोग नीम हकीमों के पास क्यों जाते हैं। मुकाबला में कुल मिलाकर चार दौर। मुकाबला शुरू करने से पहले अभी की सुर्खियां। धन्यवाद दिबांग, और एक नजर अभी तक की खास खबरों पर। वृंदा और पूर्व कर्मचारियों ने रामदेव पर फिर लगाया कायदे कानून तोड़ने का आरोप। योग गुरु ने दी हर मसले पर अपनी सफाई। दिल्ली की 70% इमारतों में गैर कानूनी निर्माण, अदालत ने इन्हें नियमित करने के लिए कहा जाएगा। कलिंग नगर में नरसंहार के खिलाफ बंद रहा उड़ीसा, सरकार से समर्थन वापसी की मांग पर BJP सांसद मिले राजनाथ सिंह से। AMU में आज न पढ़ने वाले आए न पढ़ाने वाले, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद रहा विश्वविद्यालय। सौरव गांगुली पर अपने बयान से मुकरे क्रिकेट मैनेजर राज सिंह डूंगरपुर, कहा तोड़ी मरोड़ी गई बात। और पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुरा, पहाड़ों पर कम, मैदानी इलाकों पर मौसम की मार ज्यादा, किसान बड़े मुश्किल में। और मुकाबला के लिए आइए वापस रुक करते हैं दिबांग। धन्यवाद। मुकाबला में आज बहस है, क्या बाबा रामदेव पर उठे सवालों के बाद देसी इलाजों पर भरोसा किया जा सकता है? मुकाबला में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। MUK लिखे 6388 पर SMS करें। शुरुआत करते हैं BP सिंगल साहब से। सिंगल साहब, जिस तरह की बातें आ रही है उससे लग रहा है कि ये पूरा एक धोखा है, ढकोसला है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश है, और अब कहीं जाके कुछ लोग पकड़े गए हैं। आपको अपने बचाव में क्या कहना है? एक मिनट का आपका समय। आपने पहले कहा कि पूछा जाएगा अगर इतना इफेक्टिव था तो अब तक सारे अस्पताल बंद क्यों नहीं हो गए। हर अस्पताल का अपनी जगह एक मुकाम है और उनकी आवश्यकता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ बहुत मदरली ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि उस वक्त जो बागडोर, हमारे देश की बागडोर, जहाँ तीन जब आजाद हुए हम जी, वो अपने को हिंदू बाय द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कहते थे, और हिंदू संस्कृति में, हिंदू विद्याओं में उनका कोई विश्वास नहीं था। इसलिए आयुर्वेद का अब भी चल करके बड़ी मुश्किल से 6% टोटल बजट मेडिकल का आयुर्वेद के लिए लगता है। तो जब किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है तो आयुर्वेद उतना फल नहीं पाया जितना एलोपैथिक मेडिसिन फला। जी, सुहेल सेठ, आपसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, उससे पहले हम लोग चलते हैं नासिक बाबा रामदेव के पास। रामदेव जी, ये बताइए कि ये जो आरोप लगाए हैं, आप पर आरोप लगे हैं कि साहब उसमें जानवरों की हड्डी मिली, कुछ चर्बी मिली, वसा मिली, लिखा नहीं हुआ था लेबल में कि ये इसमें क्या क्या है इन दवाइयों में, इन आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? जो आयुर्वेद का प्रश्न है, आयुर्वेद के संबंध में, ये जो आदमी की हड्डी या खोपड़ी, ये सब एक बेबुनियाद एक तरह का झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसका आधार ही गलत है, इस तरह का झूठ बोलना मैं समझता हूँ कि देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो एक मजबूत हिस्से हों, ऐसे सांसद यदि झूठ बोले और ये कहें कि जो उसके ऊपर लेबल नहीं था, उसमें लिखा हुआ नहीं था, मेरे यहाँ के आप कोई भी दवाई मंगा लीजिए,
आप उसके ऊपर पूरा लेबल हैं जो मेरे पेटेंट योग हैं उनके ऊपर, जो हमारे यहाँ क्लासिक योग हैं आयुर्वेद में उनके ऊपर कोई लिखा नहीं होता है, खाली दवा का नाम होता है। ये आयुर्वेद की एक पूरा का पूरा, ये तो सरकार की हमारी जो अवधारणाएं हैं, जो सरकार के नियम और कानून है उसके 100% अनुकूल मेरे यहाँ पर सारी दवाइयाँ बनती, इसमें विवाद किस बात का है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी दवाइयों में किसी तरह की जानवर की वसा या हड्डी नहीं होती है? मेरी दवाओं में, आयुर्वेद की किसी दवा में कोई भी जानवर की हड्डी डाली नहीं जाती है, आदमी की खोपड़ी डाली ही नहीं जाती है। और वैसे भी आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है देवांग जी, मैं आपसे पूछता हूँ तो आयुर्वेद में यदि कहीं खोपड़ी डाली जाती होती तो आज तक तो कितनी कब्रें खुद गई होती, कितने शमशानों से उनकी सप्लाई शुरू हो गई होती। मेरे यहाँ पर यदि दवाई बनती है तो कोई 2-4-5 किलो। और दूसरी बात, आप जो है नीम हकीमों का नाम देखिए, आप इसके साथ मत जोड़िए। मैं एक इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ जहां पर मेरे पास 100 से भी ज्यादा वैद्य काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं पूरा। यदि मेरी दवाइयां बनती है तो GMP GLP इंटरनेशनल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनती है। आप इस तरह से नीम हकीम और दूसरी मतलब बाबा इस तरह के प्रवीर, आप क्या जानना चाहेंगे? क्वेश्चन है रामदेव जी आपको, तो आप जो मेडिसिन बनाते हैं, रामदेव जी नमस्कार, आप जो मेडिसिन बनाते हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से क्या लाइसेंस लेता है? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जांच करके आपको ये मेडिसिन बनाने को दिया है? जी, मेरे पास 1995 से ड्रग कंट्रोलर का लाइसेंस है, लगभग 11 साल हो चुके हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में लिखा है, अगर कोई आप मंत्र तंत्र या योग में अगर आप बताता जो इसमें रोग ठीक हो जाएगा तब वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ही आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। ये जो किताब ये आपका ही लिखा हुआ है बोल के बताया है, ये पब्लिशर भी आप ही है, इसमें बहुत सारे मुद्रा है जो मुद्रा ज्ञान मुद्रा, एक ज्ञान मुद्रा करने से आपको पैरालिटिक पेशेंट भी ठीक हो जाएगा, बात अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, कान में नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि ये किताब आप दिखा रहे हैं जिसमें तस्वीरें हैं और ये मुद्राएं अगर आप करेंगे तो कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं? एकदम ये रामदेव जी की किताब है आप बता रहे हैं? रामदेव जी, इसका जवाब दीजिए। ये मुद्राएं आयुर्वेद का प्रश्न नहीं है, योग का प्रश्न है। योग के बारे में आपको बता देता हूँ देवांग जी, मैंने 10,000 लोगों के ऊपर योग के जो साइंटिफिक इफेक्ट है उनके लिए एक स्टडी की, लगभग 1,00,000 अलग अलग प्रकार के टेस्ट हुए, एक आदमी के 10 तरह के टेस्ट हुए तो लगभग 1,00,000 टेस्ट हुए। और उन सबका निष्कर्ष मैं आपको ये बता देता हूँ, 25% लोगों का BP पहले ही दिन से कंट्रोल हो जाता है और उनको दवा बंद हो जाती है, 25% लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम में फायदा होता है अर्थात उनका ECG नॉर्मल आने लगता है, 60% लोगों का PFT नॉर्मल आने लगता है, 40 से लेकर 70% लोगों का शुगर कंट्रोल होने लगता है, ओबेसिटी से पीड़ित लोगों का 0.5 किलो से लेकर के 2 किलो तक पर डे वेट कम हो जाता है। और ये देखिए, योग के बारे में प्रश्न किया था और मेरे पास में योग साइंस, मैंने कैंप किए थे हरिद्वार के अंदर, उसका पूरा का पूरा डेटा है, आप हरिद्वार से मंगा सकते हैं, जिसको कि डॉक्टर RK गुप्ता जो संजय गांधी इंस्टीट्यूट के पैथोलॉजी के हेड हैं, डॉक्टर RK मिश्रा जो एक सीनियर जो है कार्डियोलॉजिस्ट है। रामदेव जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, सुहेल सेठ हमारे साथ हैं। सुहेल आप अपना सवाल पूछिए जी। मुझे तो हैरानगी है कि मैं बाबा रामदेव को सुन रहा हूँ या रामदेव कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप योग के माध्यम से मेडिसिन बेचेंगे या मेडिसिन बेचते बेचते आप अपने इंस्टीट्यूट को फ्लरिश कराएंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपने एक मिनट, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे बाबा लोग हर 10 साल इस धरती पे उतरते हैं, हमारे देश में आते हैं और देशवासियों को ये बोलते हैं कि भाई हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे, और जब आप पर एक प्रॉब्लम आती है तब आप इसी देश को कोसते हैं, इसी देश के सांसदों को कोसते हैं और इसी देश की प्रतिक्रिया में जाते हैं। एक मिनट, मुझे कोई हक नहीं है ये कहने का कि आपकी दवाइयां गलत हैं कि नहीं। विज्ञापन की बात कीजिए, आपको मेडिकल साइंस का कैखा नहीं आता है, आप इस तरह का आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए। नहीं, मैं नहीं लगा रहा आपके ऊपर आरोप, मर्यादा में रहकर के बात कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी योगा है तो जब आप मेडिसिन में घुसते हैं, एक मिनट, जब आप मेडिसिन में घुसते हैं और अगर किसी ने कोई एलिगेशन की है तो उसकी
प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होगी अगर उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो आप इन्वेस्टिगेशन न होने तक क्यों कतरा रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, अगर वृंदा कराट गलत है तो वो साबित हो जाएगा। अभी साबित करता हूँ, यहाँ पर साबित करता हूँ, ये वृंदा कराट की चिट्ठी है। आपने प्रश्न किया, मुझे जवाब देने दीजिए। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने कहा 7 जुलाई को चिट्ठी लिखी कि साहब ये हम मेडिसिन लाए हैं विश्वा फार्मेसी दिव्य फार्मेसी ऋषिकेश से, इसमें इंसान उसके जानवरों के पार्ट्स और इंसान की सिर की हड्डी के चूरा मिलाया जाता है। जब उन्होंने भेजा उसको एग्जामिनेशन के लिए, तो सिवाय कलकत्ता वाले ने कहा हाँ, बाकी सब ना कर दिया, कोई नहीं मिला। एक बात, दूसरी चीज, ये उसका चिट्ठी है उसकी उत्तरांचल के जॉइंट सेक्रेटरी की, उसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है। यहाँ पर दिव्या फार्मेसी ऋषिकेश में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। एक दिव्या योगा फार्मेसी कणखल में चलती है। नतीजा ये हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने दिव्या फार्मेसी ऋषिकेश छोड़ करके कणखल छोड़ करके उत्तरांचल कर दिया। उस साफ तौर पे उन्होंने लिखा कि ये हमारे कंफर्म हुए हैं, और यहाँ साफ तौर पे ये आ रहा है जो इन्होंने लिखा है, एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ सैंपल गिवन बाय यू सिंस बीन रिसीव एंड प्राइमा फेसी रिवील अ वायलेशन ऑफ लाइसेंसिंग एंड लेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। और इस पर वो कह रही है कि प्रेस विज्ञप्ति में कि हमारे कन्फर्म कर दिए उन्होंने हमारे आरोप कन्फर्म कर दिए। यानी बिल्कुल झूठ बोलना, एक तो जाने किस फार्मेसी से उठा लाई, ऊपर से झूठ बोल रही है, और ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जांच से क्यों दखल रहे हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा रामदेव जी को और सबको कि आप फिर उनको कोर्ट में लेके जाइए, डेफामेशन सूट फाइल कीजिए उनके खिलाफ कि उनकी कैसे हिम्मत हुई कि ये सब एलिगेशंस करने की। तब रामदेव जी का क्या की बात ठीक है, आप उनको कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? यही पब्लिक की अदालत में है, इस वक्त पब्लिक की अदालत चल रही है। साहब पब्लिक की अदालत कहां रही? पब्लिक, अरे हमारे पब्लिक में जज कहां है जो पब्लिक की अदालत? ये पब्लिक जज नहीं है क्या? देवांग जी, मेरा कहना यही है कि अगर लोगों के मन में आपने कोई शंका डाली है कि भाई जो दवाइयां दिव्य फार्मेसी से मिलती हैं उनमें कोई गलत चीज है, दिव्य फार्मेसी है ही नहीं, अच्छा तो फिर आप वृंदा कराट या सीपीआईएम या किसी को भी आप कोर्ट में जाइए। रामदेव जी ये कह रहे हैं, दो बातें यहां पर आ रही हैं, एक आप उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करते अगर आपके खिलाफ ऐसे उलझुल आरोप लगाए हुए हैं, एक दूसरी बात मैं आपका जूनियर बनूंगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आप योग सिखा रहे थे फिर आप आयुर्वेद में कैसे चले गए? दोनों का जवाब आप दें। देखिए, पहले तो सोहेल सेठ जी अपना पेप्सी और कोक का विज्ञापन करें, इनको वहां से करोड़ों रुपए मिलेंगे। स्वामी रामदेव से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वामी रामदेव सोहेल सेठ के पास में विज्ञापन करने वाले जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सोहेल सेठ जी थोड़ा आप चुप हो रहे हैं, एक मिनट, सोहेल सेठ जी थोड़ा मर्यादा से बात करना सीखिए। पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को धृष्टता और गाली देना, ये पढ़े लिखे का लक्षण है, बेवकूफ आदमी का लक्षण होता है। और दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए, स्वामी रामदेव को यदि आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, स्वामी रामदेव कभी भी दवा के बारे में, मैं 2.5 घंटा रोज बोलता हूँ दवा के बारे में, लेकिन टेस्टिंग का एक लीगल प्रोसेस है, टेस्टिंग के लिए एक जो है ऑथराइज्ड पर्सन होता है। ये हमारी बहन यदि वृंदा जी ने आरोप लगाया तो मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत प्रतिष्ठित सदस्य हैं, इनको लीगल वे में क्यों नहीं गई, पहली बात। दूसरी बात, जो इसके लिए ऑथराइज पर्सन थे उनके माध्यम से क्यों नहीं गई। और एक तीसरी बात, बिना ही जांच हुए, अभी तो जांच की बात कर रहे हैं और जांच में भी जो आप बार बार पढ़ के बता रहे हैं इसमें खाली लेबल की और जो है ड्रग लाइसेंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो एक डिफरेंट मैटर है। इसमें इसके साथ साथ इन्होंने ये दोनों पत्र निकाले, इसके अंदर बिना ही गवर्नमेंट की रिपोर्ट के उसके अंदर उसके मानव के अंश और फलाना हड्डियां और खोपड़ियां का आरोप लगाने का आधार कैसे है। और एक तीसरी बात, जब वो 7 जुलाई को हरिद्वार गई उसी समय उन्होंने आरोप लगा दिए थे। इस तरह से जिस मिशन के प्रति करोड़ों लोग आस्था रखते हो, योग और आयुर्वेद के बारे में ना सोहेल जी आपको पता है, आप बनाते हैं एड पीओ सिर उठा करके जिससे कि आदमी जल्दी ऊपर पहुंच जाए। 4 लीटर यदि पेप्सी कोक एक साथ पी ली जाए तो आदमी के 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। आप ऐसी ऐसी चीजों के, आप मल्टीनेशनल के एजेंट बैठ करके मेरे साथ में यहाँ पर बात करते हैं, क्या बेवकूफी भरी बातें आपकी है। मैंने तो आपके आपकी प्रोफेशनलिज्म पे अभी तक कोई उंगली उठाई नहीं। मैंने यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि जिसने भी ये एलिगेशंस किए हो उसने गलती की है, तो
यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन साबित करेगा, जैसे सिंगल साहब ने, एक मिनट, जैसे सिंगल साहब ने चिट्ठी दिखाई, मैं ये कह रहा हूँ कि द बेस्ट वे फॉरवर्ड इज कि आप अगर इतना ही आपको ये फीलिंग हुई है कि गलती हुई है आपसे या आपके खिलाफ गलती हुई है, आप इनको कोर्ट में ले जाइए, यू सू देम फॉर डिफेमेशन, क्योंकि नहीं नहीं एक मिनट आपकी बात आप सही है, क्यों अगर लोगों वो, की, वो, अगर वो, वो, वो पब्लिक की क्यों आई पहले का सब्जेक्ट था, इसमें वृंदा कारात बीच में कूद के आकर के ये एक उस व्यक्ति के प्रति जिसने 25 करोड़ लोगों को एक अच्छी जीवन की जीने की राह सिखाई हो, आप मेरे बारे में भी नहीं जानते तो आपको थोड़ा बता देता हूँ, आप मेरे पास में हेल्थ डिपार्टमेंट का बात ही नहीं है, कोई भी आम आदमी को मालूम होता है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें प्रॉपर लाइसेंस नहीं है तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देने चाहिए, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट सब कुछ करेगा, FIR भी करेगा, नहीं, वो जो बताया है हेल्थ कंट्रोल डिपार्टमेंट का नहीं है, आम आदमी का भी ड्यूटी पड़ता है, यही बताया, दूसरा कुछ नहीं, मैं दूसरा एक चीज बताता हूँ, रामदेव जी, एक मिनट, प्रबीर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं बताता, जो जितना सारे एस्ट्रोलॉजर है, जितना सारे तांत्रिक है, ओलन भी बताता है हजार हजार लाखों लाखों आदमी सब ठीक हो गया है, उसमें तो कुछ आता नहीं जाता नहीं, मैंने जो ठीक किया उसके मेरे पास मुझे साइंटिफिक बेस है, का ऑप्शन ही नहीं देगा, एक मिनट सुन लीजिए, इन तो सेल्समैन के लिए मैं बता जाता है, अगर अगर आप कोई भी बताएगा जो इसमें इलाज करने से ऐसा करने से रोग ठीक होता है, तभी भी एक फर्ज हो जाता है राष्ट्र का, तभी आईन में लिखा है वो भी गलत है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एवं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का अंदर ही पड़ता है, अगर आप लिखेगा ऐसा करने से रोग ठीक हो जाएगा, देखिए लिखा है प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा करने से क्या होगा, आंख का बीमारी ठीक हो जाएगा, तो आप प्राण मुद्रा करके आपका आंख का बीमारी ठीक कर दीजिए, हम सोच लेगा ठीक हो गया, इसी के प्राण मुद्रा आप देखिए, एक मिनट जब आप सुन लीजिए, आप देखिए मेरे पास में जो मैंने किया, मैं ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना कोई किसी के ऊपर शनि के तो राहु चढ़ाता हूँ, ना किसी के उतारता हूँ, ना मैं किसी पर भूत प्रेत चढ़ाता हूँ, मैं प्योर साइंस की बात करता हूँ, जिन लोगों ने ना वेद पढ़े ना उपनिषद पढ़े और उनको व्यर्थ में गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है, आप पहले तो तमीज से बात कीजिए, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई जो है ढोंग पाखंडी नहीं हूँ, मैं एक साइंस का मैं विज्ञान आधारित बातों को बात कर रहा हूँ, आपका क्रोध शोभा नहीं पाता है, अभी आपका एक किताब लिखा है कोई जोगी कभी तो अरे हो हाँ कभी अरे मेरे भाई पहले आप एक ये मेडिकल साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप कोई क्रोधी हुआ था क्यों, मेरा तो सोच में आ रहा नहीं कर रहे रामदेव जी आप, अरे मेरे भाई पहले मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी की बहस में सम्मिलित नहीं हुए, आप मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बात कीजिए, मेरे से बात करते हैं, डॉक्टरों से बात कराइए, इस तरह के फालतू के बेवकूफ लोगों से बात कराने से कोई फायदा नहीं, योग के बारे में मुझे पूछने बोला है ना, योग के बारे में सुहेल आप अपने सवाल पूछिए, अरे योग के बारे में थोड़ा स्टडी करके आओ ना पहले मेरे भाई, मेडिकल साइंस के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, इस तरह की फालतू की बकवास करके लोगों को भ्रमित मत कीजिए, चलिए ना आप जो आप डॉक्टरों से बात करिए, ये राजनीतिक लोग हैं, डॉक्टरों से देवांग बात करिए आप, मेरा सिर्फ आखिरी में जो टिप्पणी मैं दूंगा, ये जो भी मीडिया में बात उठाई गई इसमें या सच है या गलत है या, ये हम तीन तो तय नहीं कर सकते, अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया है या सैंपल्स गलत दिए हैं तो हमारी सरकार की भी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि there were traces of animal parts found in the medicines. अब दो चीजें उठती हैं, या तो सरकार झूठ बोल रही है कोई प्रेशर के अंडर, और अगर झूठ बोल रही है तो रामदेव जी को इस बात को सीरियसली लेके कोर्ट में चैलेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर 25 करोड़ लोगों की आस्था है तो वो आस्था हमें माननी चाहिए, ये नहीं कि हम इनका सिर्फ मजाक उड़ाते रहें और इनका गुस्सा देखते रहें। दिबांग हमारे साथ एसके सरीन साहब हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, सरीन साहब ये जो योग और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं क्या इनसे वाकई में इलाज होता है, क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार है? नमस्कार, मैं चर्चा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एलोपैथी का ओरिजिन कैसे हुआ, मैं एक मिनट आपका लेके बताऊं। स्पिरिचुअलिटी या यू नो इमोशनलिज्म या रैशनलिज्म की जब चर्चा शुरू हुई तब कुछ सालों पहले
एलोपैथी का जन्म हुआ, और एलोपैथी का जो फंडामेंटल बेसिस है या मेडिसिन का जो, जैसे रामदेव जी कह रहे थे साइंस की बात, उसका फंडामेंटल बेसिस है कि कोई इश्यू हो, कोई हाइपोथेसिस हो, और हाइपोथेसिस के लिए कोई उसका प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल हो, और प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल अगर कंफर्म हो जाए उसके बाद में आप वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल पे उस दवा को यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पेट का दर्द पानी पीने से ठीक होता है या पेट का दर्द दवा लेने से ठीक होता है, तो हम लोग उसे कहते हैं कि भाई एक रेंडमाइज ट्रायल करिए, पानी दीजिए और दवा दीजिए, पर पता नहीं लगे देने वाले को कि मैंने क्या किया। आई होप आप अंडरस्टैंड करें कि ये सारी मेडिसिन का बेसिस है। इमोशनलिज्म से रैशनलिज्म तक जाने के लिए ये जर्नी एलोपैथी ने बहुत लंबे टाइम में दी थी। मैं एग्जांपल दूं, 2000 में फाइजर कंपनी ने एक बहुत बड़ी पेन किलर निकाली, हजारों लाखों लोगों ने वो दवाई ली, सिर्फ दो आदमियों को हार्ट की प्रॉब्लम हुई और फाइजर को वो दवा सारी वापस, सिर्फ दो को, हजारों लाखों के अंदर दो अगर आदमी बीमार हो गए तो वो दवा कंपनी को दवा विड्रॉ करनी पड़ी। तो आज अगर हम जैसे एक साइंस की बात करें, और मैं बहुत खुश हूं इस चर्चा से कि सब लोग ये सुन के सोचें कि जो पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, क्या उसमें रैशनलिज्म है, क्या उसमें एक जने को दवाई दी जाए और दूसरे को ना दी जाए और फिर देखा जाए कि वो ठीक है या नहीं है। अगर हम ये सिस्टम लें तो मुझे लगता है कि इवोल्यूशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस इसमें आप कह रहे हैं सरीन साहब कि इस पर अभी काम करना बाकी है। ये तो शुरुआत ही, हम जजमेंट पास कर रहे हैं जनरल लोगों पे, हम पास कर रहे हैं लाइक यू नो शेक्सपियर सेड जज नॉट दैट ही नॉट बी जज, वी कैन नॉट जज दिस सिस्टम, वी हैव टू हैव ए साइंटिफिक बेसिस, ए बेसिस ऑफ रैशनलिज्म इन आयुर्वेदा एंड देन असेस। इन्होंने कहा कि इस पर अभी काम करना जरूरी है, काफी लंबा रास्ता तय करना है। आप भी इस बहस में भाग ले सकते हैं, एमयूके लिखें 6388 पर एसएमएस करें। प्रकाश जम्बुलकर परिवार है दिल्ली से, कह रहे हैं कि एमएनसी की दुकान सिर्फ बाबा रामदेव बंद करवाएंगे और देसी दवा बेहतर है। जबकि अपूर्व सेन है मुंबई से, और ये कह रहे हैं कि देसी दवा अभी भी रहस्य बनी हुई है और ये पूरा विवाद राजनीतिक है। आप भी अपनी राय भेजें, ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। बाबा रामदेव हमारे साथ हैं, हमारे साथ त्रिगुणा जी हैं हमारे नए मेहमान, और प्रकाश कोठारी हमारे साथ हैं मुंबई में। ये दौर है प्रबीर घोष का। प्रबीर घोष, आप रैशनलिस्ट हैं, हर चीज को ठोक बजा कर देखते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें सारा अंधविश्वास है, कोई विज्ञान नहीं है, तो क्या वजह है कि लाखों लोग इसको मानते हैं, घंटों खड़े रहते हैं दवा लेने के लिए और इलाज करवाने के बाद ठीक भी हो जाते हैं? योग के बारे में बताता है, योग रामदेव जी ने एक किताब में बताया है, योग का डेफिनेशन दिया है, बताया जो योग पतंजलि ने बोला है, योग वित्ती निरोध, वित्ती निरोध जो वित्ती है चित्त वित्ती जो है और निरोध करना ही वित्ती निरोध, उन्होंने वित्ती निरोध ही लिखा है, इसको ही कहते हैं योग। दूसरा और एक तो डेफिनेशन दिया है, उसमें बोला है महर्षि व्यासदेव ने बताया जो योग इक्वल टू समाधि। तीन और एक तो दिया है जो परम प्रभु को साथ जो संयोग वो है योग जी। फोर्थ जो डेफिनेशन दिया है बोला जी कृष्ण ने बताया सफलता या विफलता जो कुछ भी हो सब समय एक ही रहना ही योग, तो कौन तो योग कौन तो योग नहीं। प्रबीर घोष, आप ये कह रहे हैं कि आपको ये साफ नहीं है कि योग की परिभाषा क्या है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, ये तो कोई बात जमी नहीं आपकी। नहीं 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 नहीं, अगर सोचिए इसमें योग में लिखा है खेचरी मुद्रा, मैं लाया है ये जो हठ योग है, हठ योग का किताब जी, खेचरी मुद्रा है जो रामदेव ने बोला है, सब योग उसका मालूम है, हठ योग भी खेचरी मुद्रा में है, जो खेचरी मुद्रा जो करता है उसका कभी भी मृत्यु नहीं होता है। तो हमने देखा क्या रामदेव जी अमर रहेगा तो समझेगा ये जो योग है इस पर हम लोग बातचीत समझ लेते हैं। रामदेव जी कह रहे हैं खेचड़ी मुद्रा लगाइए और आप मृत्यु से पार पा लीजिए। पहली बात तो यह है कि मृत्यु आत्मा का कभी होता ही नहीं है, एक पक्ष तो ये है इसका। और दूसरा पक्ष यदि योग के बारे में आप देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, इसको पब्लिक डिबेट मत बनाइए, ये उन लोगों से बात कीजिए जो योग के बारे में जानते हो, जो मेडिकल साइंस के बारे में जानते हो, जो आयुर्वेद के बारे में जानते हो। आपको मैं अपनी बात बता रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि योग हमारे यहां पर हमारी जो ट्रेडिशनल साइंस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं आपको देखो
सबसे पुराने शास्त्रों में क्या लिखा है उसको भूल जाइए। मैंने आज तक 10,000 लोगों पर योग के ट्रायल किए, उसको जो मैंने अभी अभी मेडिकल साइंस के पूरे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मैंने लोगों का यदि पहले और बाद में उनके सारे मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनके चेकअप करवाए, और उसके बाद पहले बायोप्सी कराया तो उसको कैंसर था, बाद में बायोप्सी कराया तो पता लगा कि उसको कैंसर मिट गया, आप इसको अंधविश्वास कहेंगे या इसको साइंस कहेंगे? पहले एक व्यक्ति को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थे और बाद में उसका एंजियोग्राफी करवा के पता लगा तो दोनों का अंतराल में पता लगा कि इसके ब्लॉकेज खत्म हो गए, ये अंधविश्वास है या साइंस है? तीसरी चीज, पहले एक व्यक्ति, अरे एक मिनट जांच की प्रक्रिया तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स है। वीर जी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 10,000 लोगों के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे ही कहता है ना, तांत्रिक भी ऐसे ही कहता है ना, सब कुछ कर देता है। तो मैं कहता है एक काम करिए ना, हम लोग पेशेंट दे देगा कैंसर, मृत्यु होने से वही दाई रहेगा, देख कैंसर पेशेंट के लिए आज ही इधर ही डिसीजन ले लीजिए, कैंसर पेशेंट हम लोग भेज देगा। ये कह रहे हैं कि ये अपनी अपना मरीज भेजना चाहते हैं। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने 100 से ज्यादा कैंसर के पेशेंट अच्छे किए हैं। देवांग जी आप मेरे पास से सारे पेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड मंगा सकते हैं, उनकी पूरी फाइल मंगा सकते हैं, पहले और बाद के सारे इन्वेस्टिगेशंस मंगा सकते हैं। और एक बात मैं और कह देता हूँ, आप ये कहते हैं कि मैं रोगी दे देता हूँ, ये कोई साइंस है? आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप मैं कहता हूँ पेशेंट देता आप ठीक करेगा, आप ठीक करने से हम लोग सोचेगा कि ठीक है। देवांग जी साइकोसोमेटिक डिजीज का पेशेंट नहीं है, अर्थात मन का भावना से डिजीज नहीं हुआ है ऐसा पेशेंट दे देगा, ठीक करने से हम लोग एकदम ठीक मान लेगा। आप देखो, इनको मेडिकल साइंस की पुस्तकें पढ़नी चाहिए मेरे भाई प्रवीर घोष जी। आप पूरी दुनिया के अंदर आज मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से पूरी दुनिया में आज जो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ नहीं करेगा। एक मिनट इनकी बात सुन ले, ये जी आप अपनी बात पूरी करें जी। रामदेव जी, जी देखिए, ये प्रवीर घोष जी क्या किसने बुला रखे आपने? इनको मेडिकल साइंस का खखा नहीं आता, बैठा किसने रखा इनको? आप जो आदमी मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं उनसे बात कीजिए ना, मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप इस राजनीतिक आदमी को मेरे बीच में घुसा दिया। नहीं ये राजनीतिक नहीं है, ये आप देखिए रैशनलिस्ट सोसाइटी के हैं, ये हर चीज को ये तर्कवादी में आते हैं। देवांग जी इनकी बात सुन लीजिए, देवांग जी देखिए आप बुद्धिजीवी होना अलग बात है, योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में जाना एक डिफरेंट मैटर है। मैं आपसे एक प्रवीर घोष जी से एक प्रश्न पूछता हूँ, ये मेरे पास में अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर की लिखी हुई पुस्तक है, आप जरा ध्यान से इसका नाम पढ़ सकेंगे वहां पर भी, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में स्वाभाविक मृत्यु और एक्सीडेंटल केस के बाद स्वाभाविक मृत्यु और एक्सीडेंटल केस से जितनी मृत्युएं होती है उसके तीसरा बड़ा मृत्यु का कारण लाखों लोग दवा खा करके मर रहे हैं, ये मेडिकल साइंस के डेटा बताते हैं। हर वर्ष 20,00,000 करोड़ रुपए की दवा खाने के बावजूद करीब 5 करोड़ लोग दवा खाने से मर जाते हैं, जिसको ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले दवा मेडिसिन बोलते हैं और हमारी पुरानी परंपराओं का अंधविश्वास और अज्ञान कहते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर है बॉम्बे में, प्रकाश कोठारी। प्रकाश कोठारी जी आपको क्या कहना है, आप लगातार इसको सुन रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि वो इलाज भी करते हैं लोगों का। जी उसमें एक बात जरूर है कि आयुर्वेद के अंदर जो तकलीफें होती है वो वात पित्त और कफ के इंबैलेंस से होती है, और उसमें 80 प्रकार के वात रोग की बीमारी बताई है, 40 प्रकार की कफ रोग की और 20 पित्त रोग की बीमारी बताई है। ये माने महद अंश में ये जो वात की बीमारी है वो बहुत गंभीर बीमारी है, और योग में इस तरह से लिखा गया है कि अगर एक आदमी सही तरीके से प्राणायाम करे और दूसरे चीजों का योगाभ्यास करे तो वो वात की बीमारियां आसानी से हल कर सकता है। माने मोर देन 60% ऑफ द डिसीजेस कैन बी क्योर्ड जस्ट बाय प्राणायाम एंड अदर थिंग्स, दिस इज वेरी क्लियरली मेंशनड इन योगा। क्या ऐसा होता है? एंड इट इज दिस इज आई मीन दिस इज अ फैक्ट एज फार एज द आयुर्वेदा गोज। पर क्या ऐसा होता है? आयुर्वेदा इज अ फैंटास्टिक साइंस इंडीड, यू नीड टू हैव
अ प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन एंड रेशनलाइजेशन इज देयर, देन इट इज बेटर, बट इट्स अ फाइन साइंस, वेरी गुड साइंस, मोर देन 4000 इयर्स ओल्ड साइंस. Well, allopathy is just 90 to 100 years old. Though I am a doctor, I am admitting this fact. जी, आप कोई भी डायबिटीज पेशेंट है आप लोग? है एक, जो आपन मुद्दा है ना, ऐसा ऐसा करने से आपको किडनी या डायबिटीज प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाएगा. मैंने रामदेव जी ने बताया है. जी, पर वो कह रहे हैं कि ठीक हो गया ना? हुआ है ठीक. चलिए त्रिगुणा जी, मैं आपसे प्रबीर जी एक मिनट करने से बाल उठेगा तो आप सोच लीजिए. ये त्रिगुणा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बात लिखी हुई है कि उसमें हड्डियां पाई गई और जानवरों की स्कल की, क्या इस तरह की दवाई में इस तरह की हड्डियां का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? देखिए ऐसा है, मानव की किसी हड्डी का या स्कल का आयुर्वेद की किसी औषधि में इस्तेमाल नहीं होता. आयुर्वेद की तीन मेन दवाइयाँ हैं, 95% हर्ब्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं और एनिमल ओरिजिन है. एनिमल ओरिजिन में जो शोर मचा है वो है बारह सिंगा, जिसकी कि सींग होते हैं, जिसको कि श्रिंग भस्म बोलते हैं. और वैसे भी गोदुग्ध है, गोमूत्र है, ये जितने भी कैल्शियम है ना, जिसको बोलते हैं प्रवाल है, शंख है, कौड़ी, सारा एनिमल ओरिजिन में आता है. इन दवाइयों का आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है. कस्तूरी आयुर्वेद की एक जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन वो बैन हो चुकी है. इसी प्रकार मृगशृंग को भी बैन किया गया कुछ वर्ष पहले. उससे पहले ये श्रृंग भस्म जो है, जिसको कि हम बच्चों के लिए, उसकी प्रोड्यूसी के लिए, चेस्ट के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, और वो आयुर्वेद की बड़ी अच्छी दवाई है, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व उसको बैन कर दिया गया. मुझे नहीं पता कि उसमें क्या पाया गया, लेकिन जिस प्रकार या शोर मचाया गया पब्लिक को बताने के लिए, मतलब गुमराह करने के लिए, कि उसमें हड्डी पाई गई, हड्डी कहना एक अलग बात है और बारह सिंगे की श्रृंग की भस्म कहना एक अलग बात है. अगर वो श्रृंग भस्म पाई जाती है तो एक आयुर्वेदिक क्लासिकल दवाई है, लेकिन वो आजकल बैन है, इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. दिमाग को जाना चाहते हैं? दिमाग एक मिनट, आप जो बार बार कह रहे हैं, मैं उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चिट्ठी पढ़ रहा हूँ जिसके प्रति इन्होंने कहा, मेरे पास ये चिट्ठी है और इसमें कन्फर्म हुई मेरी बात कि उसमें जानवर के पार्ट्स और सिर की चूरा दिया जाता है. अब चिट्ठी पढ़ लीजिए जिसके आधार पर बिंदा जी ने कहा. ये तो सारी बातें आ चुकी हैं आज प्रेस में. आप बार बार कह रहे हैं ना कि निकला है, उसके बता रहा हूँ मैं. Analysis reports of the samples given by you have since been received and prima facie reveal a violation of licensing and labeling provisions of the Indian Drugs and Cosmetic Act. That's all. कि मैं उनसे जानना चाह रहा था. That's all. और उसको कह दिया, मंत्री ने कंफर्म कर दिया कि उसमें सिर की खोपड़ी में वो चूरा पाया जाता है. तीन दफे कहा है इस बात को. जी, आपको क्या लगता है कि क्यों लोग मुड़ते हैं? इतनी एलोपैथी है, इतनी पद्धति की अपनी सीमा है. जी, हमको एक तो क्लेम नहीं करने चाहिए ना हमारी पद्धति को ना किसी पद्धति को, एलोपैथी का हो चाहे आयुर्वेद का आदमी हो चाहे किसी पद्धति का हो, हर पद्धति की अपनी सीमा है. आज हमारे यहाँ आयुर्वेद में सर्जरी नहीं है, हमको पता है उसमें नहीं कर सकते, इमरजेंसी में हम उतने हेल्प नहीं कर पाते. आज ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करता तो हमें पता भी, हम उसको मरीज को रेफर करते हैं. इसी प्रकार एलोपैथी में भी उनकी अपनी सीमाएँ हैं, उनका पद्धति अच्छी हो सकती है, लेकिन उन हर पद्धति की अपनी सीमाएं हैं. इसलिए जब व्यक्ति को तो ठीक होना है, उसको किसी पद्धति से कोई मतलब नहीं है, जिस जहां उसको ठीक होगा वहां हो जाएगा. इसलिए हमको व्यक्ति को ठीक करना है, देश को स्वस्थ करना है, ना कि पद्धतियों के ऊपर बहस करनी चाहिए. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए. सरीन साहब, ये हमारे साथ त्रिगुणा जी हैं और वो कह रहे हैं कि हर पद्धति की अपनी सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और इनका ये भी कहना है कि कुछ बीमारियां किसी खास पद्धति से ज्यादा अच्छी ठीक हो जाती हैं और कुछ दूसरी पद्धति से ठीक होती हैं. आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ. मैंने बहुत अरसे तक आयुर्वेदिक की कई दवाइयों का मैंने उसके ऊपर काफी काम किया और वो बहुत फेमस हुई. पर मैं एक एग्जांपल दूंगा. मेरे पास एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा आयुर्वेदिक एक नई दवाई है, बहुत अच्छी, इसको यूज करिए ह्यूमन बींग्स पे. मैंने कहा कि देखिए मैं मानता हूँ, पर मैं पहले ये चाहूंगा कि यही दवाई जानवरों पे अगर उनकी परमिशन मिल जाए तो यूज की जाए. 1990 में मेरे हॉस्पिटल में, मेरी लैब में कई सारे एनिमल सिस्टम्स थे. मैंने यूज किया, 4-5 बार मैंने ट्राई किया और कम से कम 200-300 बार उसको हमने दोबारा स्टडी किए. एंड टू माय अटर सरप्राइज, वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी वो इतनी इफेक्टिव थी कि मैंने कभी कोई मेडिसिन उतनी इफेक्टिव देखी नहीं. तो मैं बहुत खुश हूं इससे. हमने देखा कि इसके कारण टॉक्सिसिटी हो, हमने ब्रेन में, लंग में, लिवर में देखा कहीं आयरन डिपॉजिट हो, वो कहीं नहीं था. और वो इतनी अच्छी पद्धति थी. और मैं जानता हूं कि हम लोग 50 साल पीछे हैं कम से कम आयुर्वेदा से. ये प्रूवन है कि आयुर्वेदा नैनो टेक्नोलॉजी यूज करती है.
पर हर चीज का एक रैशनलिज्म है, तो मैं आयुर्वेदा के अगेंस्ट नहीं हूं। अगर एक सिस्टम है और उसमें साइंस जुड़ जाए, उस पद्धति में साइंस जुड़ जाए, तो सोने पे सुहागा है और हमें यह करना चाहिए। या हम लोग सीधा चलते हैं बाबा रामदेव के पास, नासिक में है। रामदेव जी ये कह रहे हैं कि इसमें साइंस और जोड़ दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, आप सहमत हैं इससे? हाँ, वो ही मैं दिवांग जी इस सब बहस में इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप डॉक्टरों से बात कीजिए, दूसरे लोगों को जो इसके बारे में नहीं जानते उसको इन्वॉल्व मत कीजिए। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा योग के बारे में कहना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ। योग से आखिर होता क्या है? योग से हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड का सिस्टम, हमारा जो टोटल एंडोक्राइन सिस्टम है, वो जो इरेगुलर था वो रेगुलर होने लगता है। आज पूरी दुनिया में ये प्रमाणित हो चुका है कि मोटाबॉलिक सिंड्रोम, मानी जितने भी स्ट्रेस से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे एस्थमा हो या एसिडिटी हो या जो है इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं या ओबेसिटी हो, इन तमाम समस्याओं के पीछे होते हैं कारण हमारे स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन्स को प्राणायाम से और ध्यान से या तो कम किया जाता है या पूरी तरह से उन स्ट्रेस हार्मोन्स को बिल्कुल स्रवित होना बंद, उनका सिक्रेशन ही बंद हो जाता है। जो हमारे स्ट्रेस के कारण से नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन आदि जो जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, प्राणायाम ध्यान से वो कम निकलने लग जाते हैं या बंद हो जाते हैं निकलने। और जिनको गुड हार्मोन बोला जाता है, इनकैप्सुलिन और एंडोर्फिन आदि अच्छे हार्मोन शरीर से निकलने लगते हैं, स्ट्रेस गायब हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, हार्ट के भी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले ही दिन से उनमें आदमी को रिलीफ होने लगता है। तो योग एक विज्ञान है, इसको विज्ञान की तरह इसमें बहस कीजिए, आप इसमें राजनीति मत डालिए प्लीज। नहीं नहीं जी डॉक्टर सरीन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बात कही डॉक्टर सरीन ने कि इसमें साइंस जोड़ने की कोशिश की जाए, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? देखिए, साइंस नहीं जोड़ी हुई है। आज हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमने केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, सब इन लोगों को साथ में लिया हुआ। लेकिन आप फंडामेंटल एक और फर्क है आयुर्वेद एलोपैथी में कि हम मूलभूत सिद्धांतों पे जाते हैं। अगर हम आयुर्वेद में रिसर्च मॉडर्न के एंगल से करेंगे तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। आयुर्वेद की हमारी एक रिसर्च पद्धति अपनी अलग है। अगर हम मॉलिक्यूल पे जाएंगे तो हम उसको आयुर्वेद को उसका न्याय नहीं कर पाएंगे। एक औषधि मान लो सर्पगंधा है, उसको हम देते हैं, उसका साइड इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसी में से हम रेजरपाइन निकाल लेते हैं उसका मॉलिक्यूल, तो उसके साइड इफेक्ट आते हैं। इसलिए ये मूलभूत सिद्धांत है, लेकिन मॉडर्न पद्धति को हम अपने आयुर्वेद के साथ जोड़ा है और हम रिसर्च काउंसिल जो भारत सरकार की है उसमें हम लोग को ले लिया है। डॉक्टर सरीन, क्या आपको लगता है कि इसके बारे में जब जांच हो तो एक थोड़ी अलग तरीके से हो, जिस तरह से एलोपैथी में रिसर्च होती है वैसी नहीं, शायद इसके लिए कुछ अलग, थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है? साइंस का सिस्टम है ट्रुथ जी, और अगर ट्रुथ है तो वो रहेगा ही। और इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊं हम लोग एलोपैथी में कैसे रिसर्च करते हैं। एक लाइन में एक उसमें हमेशा जो आदमी दवा दे रहा है वो ब्लाइंड होता है, जो ले रहा है उसको पता नहीं होता, और एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल मॉनिटर होता है, उसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल मॉनिटर। तो हमेशा से जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी दवाई अच्छी है वो सही नहीं, मरीज कहे कि वो दवाई अच्छी है वो भी सही नहीं, दोनों जनों को ये पता ना हो और एक तीसरा एक्सटर्नल मॉनिटर हो। और अगर ये सिस्टम, मैं जैसे आदरणीय त्रिगुणा जी ने कहा कि भाई उनकी पद्धति अलग है, मैं पद्धति के खिलाफ नहीं, मैं उनकी औषधियों के खिलाफ नहीं, मैं बल्कि उनकी कद्र करता हूँ, पर एक सिंपल सिस्टम अगर हम मना लें कि भाई एक क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसा सिस्टम हो, जैसे अभी एलोपैथी में 5000 मरीज एक जगह होंगे, 5000 एक होंगे, 100 इन्वेस्टिगेटर मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के होंगे, अगर वो सब कहते हैं अच्छा है तो अच्छा है, तो हम सिर्फ अगर होम्योपैथी या इसके अंदर आयुर्वेद में सिस्टम ज्वाइन कर लें कि एक्सटर्नल मॉनिटर हो और पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, पेशेंट मस्ट नो कि मुझे क्या दिया जा रहा है, चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेड है, आर्सेनिक है, अगर ये सारी चीजें, अगर मेटल्स उसमें मरकरी है, तो सर्टेनली किडनी है, लिवर है, लंग्स खराब होंगे, तो ये हमें इसके बारे में जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर हम कंटेमिनेशन है, हम नहीं चाहते कि हम कोई बैक्टीरिया दें या कोई फंगस दें, तो अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी हो कि भाई हर मेडिसिन टेस्टेड है, हर मेडिसिन का एक बैच टू बैच कंट्रोल है और कंटेमिनेशन नहीं, आप पानी भी गंदा नहीं लेंगे, आप देखेंगे जरा सा पानी में गड़बड़ हो तो कितनी मुश्किल, तो ये सारे अगर ध्यान रखे जाए तो आयुर्वेदा बहुत आगे चले। आपसे एक सवाल जी, डॉक्टर सरीन से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई पद्धति, वो अपनी जगह बहुत ठीक है और वही चल भी रही है, लेकिन इस पद्धति में फेथ का कोई पुट ही नहीं है। कल एक डॉक्टर आई थी एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि मैंने दो मेडिसिन दिए, एक में मेडिसिन नहीं थी, एक में सिर्फ गोली थी और एक में बिल्कुल ब्लैंक मेडिसिन थी,
दोनों मरीज ठीक हो गए हमारे, क्योंकि उसको फेथ है कि मेरे हाथ से मेडिसिन मिलेगी तो ठीक हो जाएगी। फेथ का एलिमेंट बड़ा जबरदस्त है, फेथ हीलिंग के बहुत से सेंटर्स खुल गए आज पूरे संसार में, और वो फेथ को अगर इतना आप निगेट करेंगे ये मानवता के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। त्रिगुणा जी आप इस पे कहना चाहते हैं? जी सरीन साहब, डॉक्टर साहब ने कहा भी, एक तो आयुर्वेद को फार्मेसियों को दवाई बनाने के लिए भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो है अलाउड कर दी, उसके बगैर आप कोई भी फार्मेसी दवाई नहीं बना पाती। उसमें आपको ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनानी ही पड़ती है, तो उसको बैच टू बैच उसको आपको कराना ही पड़ेगा, इसलिए सारा भारत सरकार ने उसको बना दिया गया है और उसके बाद ही दवाई बन पाती। सवाल है कि ये जो दवाइयां हैं उनमें विश्वास कहां तक काम करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले दौर में। आप भी अपनी राय भेज सकते हैं, एमयू के लिखें 6388 पर एसएमएस करें। गोपाल खत्री हैं जयपुर से, कह रहे हैं दवाई से जान बचती है तो विरोध नहीं होना चाहिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाखून रगड़ने तो क्या बाल ठीक हो जाते हैं? बाल एक दो दिन में नहीं आएंगे, कोई ये जादू नहीं है। अगर आप ताबीज पड़ेगा तभी भी ठीक हो जाएगा। मुकाबला में आज गर्मा गर्म बहस किया, बाबा रामदेव पर उठे सवालों के बाद देसी इलाज पर भरोसा किया जा सकता है। अभी अपनी राय लिख सकते हैं, एमयू के लिखें 6388 पर एसएमएस करें। दौर है बाबा रामदेव का जो नासिक में है, नासिक में आप हैं। ये बात उठाई यहाँ कि विश्वास जरूरी होता है देसी इलाज के लिए, विश्वास कहाँ तक जरूरी होता है यह जानना चाहेंगे। देखिए जी, विश्वास तो एलोपैथ की दवाओं से यदि करता है व्यक्ति तो भी जरूरी होता है, क्योंकि विश्वास हमारा जो अस्तित्व है वो केवल एक फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं है, हमारा फिजिकल बॉडी हमारे अस्तित्व का, हमारे चेतना का एक पार्ट है। फिजिकल बॉडी, एथिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, हमारा अस्तित्व जितना ये यहाँ दिख रहा है इससे करोड़ों गुना अस्तित्व हमारा अदृश्य रूप में है, अर्थात हमारे शरीर के ऊपर हमारे मन का बहुत बड़ा काम है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा देखते हैं, जैसा विचार करते हैं, उस तरह का हमारे हाइपोथैलेमस सिस्टम में हमारे विचार जाकर के वो केमिकल शेप में कन्वर्ट होकर के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर सारे के सारे हार्मोन्स के अच्छे या खराब हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू होता है। इसलिए फेथ जो है एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, आप श्रद्धा को अंधविश्वास या अज्ञान कहकर के नहीं नकार सकते। इसलिए फेथ तो चाहे एलोपैथ हो या आयुर्वेद का सिस्टम हो, दोनों में ही जरूरी है। और मैं आपको एक खास एक बात बता देता हूं, अभी तक आप बात कर रहे थे कि जी आप बोलें। आपको मैं एक बात मैं एक बात बता रहा था आपसे कि अभी आप एक बात कह रहे थे कि आयुर्वेद के ऊपर, योग के ऊपर रिसर्च क्यों नहीं हुआ, और इसके ऊपर जो आज एनुअल ट्रायल जैसे कि एलोपैथ में होते हैं ऐसे आयुर्वेद में क्यों नहीं हो रहे, और योग के संबंध में देखिए ट्रायल डिफरेंट प्रकार के होंगे। योग के संबंध में मैंने जो ट्रायल किया, आगे और करने वाला हूँ, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरा जो मेरा शुरू किया हुआ है। आयुर्वेद के संबंध में आपको कह देता हूँ मैं, हमारी जो भी अच्छी प्रतिष्ठित जो है फार्मेसियां हैं वो जीएमपी जीएलपी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग दवाइयां बनाती हैं। मेरी भी फार्मेसी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत आती है। मेरे यहाँ पर बोटनी की, केमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी की तीनों की बड़ी लैब है। मेरे यहाँ पर 150 से ज्यादा डॉक्टर काम करते हैं। इसी तरह से आयुर्वेद की परंपरा को जो झूठ अंधविश्वास और पाखंड कह करके और बाबा तंत्र कह करके जो ज्योतिष तांत्रिकों की भांति उसको बदनाम करना और कुछ लोगों के द्वारा उसके ऊपर इस तरह से नाजायज टिप्पणी करना, ये मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की परंपरा के उसको बदनाम करने की बातें अच्छी नहीं है। जी आगे चलें, आगे चलें। त्रिगुण जी, ये जो बात चल रही है कि रिसर्च इसमें होनी चाहिए, पर ये भी एक इससे जो देसी इलाज की जब बात होती है तो ये बाबा और तांत्रिक जिनसे आपको बड़ा बुरा लगता होगा और उनके साथ आपका नाम लिया जाए, पर वो भी बड़ी भारी संख्या में है। देखिए ऐसा है कि जब रिसर्च की हम बात करते हैं तो आप सरकार का आंकड़े देखिए, 97% बजट हेल्थ मिनिस्ट्री का एलोपैथी के लिए एलोकेट होता है, 3% बजट में आप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध के लिए रिसर्च आते हैं, और उसमें ज़्यादातर जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें वो लोग ना वैद्य लोग हैं ना उसमें जो रिसर्च के लिए दवाइयाँ चाहिए ना उसमें पैसा नहीं मिल पाता, तो आप कैसे रिसर्च कर पाएंगे उस लेवल की। और दूसरा आप ये देखें, दिल्ली के अंदर हमने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में बनाने का किया, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उसका उद्घाटन किया, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मृक्ष इनको बैन किया, कस्तूरी हमारी बैन की, सरकार का फर्ज बनता है कि हमारी दवाइयों को बैन तो करे जो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करे कि उन दवाइयाँ हमको मिले ताकि आयुर्वेद की चिकित्सा और अच्छी हो। बैन करना आयुर्वेद सरकार का फर्ज नहीं है। होता ये कि हमारा डिपार्टमेंट जो आयुष है उसके साथ ये जो डिपार्टमेंट है ये उसको बोलते हैं ये एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री, यूजर तो हम है उसके, लेकिन उस डिपार्टमेंट दोनों के बाद कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और हमको आयुर्वेद की दवाइयां अच्छी मिल नहीं पा रही हैं। ये वो डिपार्टमेंट आयुष के नीचे आना चाहिए तभी संभव हो पाएगा। हम लोग बॉम्बे चलते हैं, प्रकाश कोठारी हमारे साथ हैं। कोठारी साहब, सवाल यह है कि विश्वास, आप जो इलाज करते हैं उसमें विश्वास
कितना जरूरी होता है, और ये जो एक पैरेलल व्यवस्था चल रही है इसमें आपको गड़बड़ी कहां लगती है? देखिए, विश्वास एक जरूरी है, लेकिन दवाई में भी कोई ठोस चीज होनी चाहिए। सिर्फ विश्वास से काम नहीं बनता, और विश्वास कब पैदा होता है? जब दवाई के अंदर कोई चीज हो, कोई कारगर चीज हो, तब पैदा होता है। लोग अक्सर नामर्दगी की दवाइयां में भी हड्डियां डाल देते हैं, लेकिन वो हड्डियां क्यों डालते हैं? कि भाई हड्डियां स्ट्रांग होती है, तो लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि ये हड्डियां वाली दवाई खाने से हमारी और चीजें भी स्ट्रांग हो जाएंगी। माने ये गलत वहमी है, ये श्रद्धा और सूचन की प्रक्रिया से काम करती है। हकीकत के अंदर दवाई की उसके अंदर कोई खास बात नहीं होती। तो अगर कितना भी विश्वास हो तो दवाई काम नहीं कर सकती है। तो श्रद्धा सूचन एक उसका एक लेवल है, थोड़ा बहुत बराबर है, लेकिन बिगर अगर आप किसी कोई हार्ट अटैक हुआ हो, अगर आप उसको ठोस दवाई दोगे तो ही आदमी बच पाएगा। एक और मैं आप... चीज से आदमी बच पाए वो नामुमकिन है। मैं आपसे ये पूछ रहा था, फिर इसमें और आपको कहां कमी लगती है? रिसर्च ठीक से नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है ये चीज, क्यों नहीं ये उतनी? देखिएगा चरक संहिता ये एक बहुत ही बेहतरीन किताब है आयुर्वेद की, और वो 4,000-5,000 साल पहले लिखी गई थी। उसमें मेरे ख्याल से रिसर्च की जरूरत नहीं है, सर्च की जरूरत है। ये एलोपैथी ने ये नई चीज निकाली है कि भाई हर चीज की डबल ब्लाइंड रिसर्च होनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन वो एलोपैथी के लिए सही है। मैं आपको एक सीधा सवाल पूछूं, आप हिंदू हैं, सलीम भाई मुसलमान हैं, आप गीता में मानते हैं, सलीम भाई कुरान शरीफ में मानते हैं। मैं ये पूछता हूं, आप किताब में वो क्यों मानते हैं? वहां न तो श्री कृष्ण की सिग्नेचर है, न तो पैगंबर साहब की सिग्नेचर है, फिर भी आप क्यों मानते हैं? इसकी पुरानी चीज है, सालों पुरानी चीज है, आजमाई गई है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, प्रकाश कोठारी बहुत बहुत धन्यवाद, बॉम्बे से प्रकाश कोठारी हमें बोल रहे थे। जी, जो बीमारी होता है ना, 45% ऑफ द बीमारी साइकोसोमेटिक डिजीज, अर्थात साइकोलॉजिकली हुआ है। तो उसमें अगर आप ताबीज पड़ेगा तभी भी ठीक हो जाएगा, अभी अब गॉड के पास चला गया प्रेयर करने के लिए तभी भी ठीक होने सकता है। अगर आपको विश्वास होए जो ये करने से मेरा सारेगा तभी सारेगा, जब ये साइकोसोमेटिक डिजीज होगा। ये रामदेव जी ये कह रहे हैं कि अगर आपका विश्वास हो, आप सिर्फ ताबीज भर पहन लीजिए तो भी आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ दिमाग की उपज होती है, दरअसल में होती नहीं। आप कम से कम इससे तो सहमत होंगे जो प्रवीर जी बोल रहे हैं। मैं इस बात से, अब प्रवीर जी ने मतलब बुद्धिजीवी होने की बात की, इस बार बात ठीक की, इसलिए इनकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब ये वास्तव में मैं इनकी प्रशंसा हृदय से कर रहा हूं। और जो है, और दूसरी बात जो पहले डॉक्टर साहब ने की कि विश्वास का भी एक लेवल होता है और मेडिसिन का भी लेवल होता है, दोनों लेवल अच्छे होने चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात इसमें ऐड कर देता हूं। अभी डॉक्टर त्रिगुणा जी कह रहे थे कि आयुर्वेद के लिए रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, ये दुखद आश्चर्य है कि 6,94,470 इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड यूनानी आदि के, होम्योपैथी आदि के डॉक्टर काम कर रहे हैं। 6,94,470 डॉक्टरों के लिए बजट होता है 3%, और एक तरफ एलोपैथ के 6,22,105 डॉक्टर हैं, उनके लिए बजट होता है 97%। ये इस देश के अंदर और स्वतंत्र भारत में अपनी प्राचीन परंपराओं के लिए, मैं समझता हूं कि ये उन प्राचीन परंपराओं का हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं उनकी अवमानना करती है, एक बात तो ये। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और विश्वास दिलाता हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, अभी मेरे ऊपर वाद हो विवाद हो, मैं आपको एक बात अभी बता देना चाहता हूं। मैंने देश के लोगों से 200, 250, 500, 1100 रुपए लिए, 5,000 रुपए लिए, 5,00,000 रुपए लिए। मैं इसके लिए पतंजलि उपीठ बना रहा हूं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप भी रहेंगे मैं भी रहूंगा, 5 साल के अंदर मैं इस बात को एनिमल ट्रायल करके, आदमियों पर ट्रायल करके, सारे लैबोरेटरिकल ट्रायल करके, योग और आयुर्वेद को विश्व की सबसे बड़ी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में, उसकी सहयोगी पद्धतियां होंगी, एलोपैथ है या दूसरा सिस्टम है, ये है वो, और इससे भारत का विश्व के अंदर बहुत बड़ा सम्मान होगा। हम भारतीयों के पास जो देने के लिए करोड़ों वर्ष पुरानी विद्या थी, उसके द्वारा हम पूरी दुनिया को दे सकेंगे, और भारत को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकेंगे। जी हाँ, तो ये जो प्रवीर जी जो चैलेंज बोल रहे थे वो एक तरीके से आप उस चैलेंज के लिए तैयार हैं, पर प्रवीर जी ने अभी ये पूछा कि ऐसे आप नाखून रगड़ते हैं या कोई मुद्रा बनाते हैं तो क्या ठीक होता है? जैसे आप नाखून रगड़े तो क्या बाल ठीक हो जाते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, मुद्रा बनाते हैं, सांस लेते हैं, एक नाक से लोम विलोम जब आप करते हैं तभी कुछ क्या फायदा होता है, वो पूछ रहे हैं आप? जी अब वो जवाब सुन लीजिए। देखिए इन इन बात जो कपालभाति है, अनुलोम विलोम है या नाखून रगड़ना है, इसके बारे में मेरे पास में हजारों पेशेंटों का डेटा कलेक्शन है। देखिए आप किसी चीज को ऐसे मजाक करके मत बनाइए, सांस लेना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। और दूसरी बात यह है, देखिए अब मैं कहता हूं अस्थमा का पेशेंट मेरे पास में कोई भी भेज दीजिए, मैं उसको 60% 7 दिन में अच्छा कर देता हूं। नहीं, एक साइंस है, कोई अंधविश्वास नहीं है। रामदेव जी ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई गंजा आपके पास भेजा जाए तो क्या आप कह रहे हैं कि उसके बाल आ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं बाल एक दो दिन में नहीं आएंगे, कोई ये जादू नहीं है। जी मेरे पास में बाल आए हुए व्यक्ति जिनके पहले गंजे खोपड़े थे, 6 महीना या 1 साल प्राणायाम करना पड़ता है, 6 महीना या 1 साल प्राणायाम करेगा तो गंजे व्यक्ति की खोपड़ी पर बाल आता है देवांग जी, 2 दिन में नहीं आता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आता बाल ठीक है, एनडीटीवी को पास ही भेज देगा हम लोग, दिल्ली से ही खोज लेगा हम लोग। चलिए ठीक है, आप सरीन साहब के पास हम चलते हैं, डॉक्टर सरीन हमारे साथ हैं। डॉक्टर सरीन ये बात हो रही है कि जो आपका जो सिस्टम है उसमें विश्वास शायद उतना नहीं है, और ये जो देसी सिस्टम है इसमें विश्वास बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्या आप इससे सहमत हैं? मैं कहूंगा कि दोनों सिस्टम्स में फेथ या विश्वास बहुत जरूरी है, पर इसमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। एलोपैथी में एक क्लियर सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सिम्टोमेटोलॉजी, या मतलब सिम्टम से मरीज का कितना, उसका एक स्केल होता है विजुअल एनालॉग स्केल, मरीज को 1 से 10 तक का एक स्केल दिया जाता है कि अच्छा आपका पेट का दर्द 9 पे था, अब 7 पर है, अब 5 पर है, 3 पर है, वो एक सिम्टम्स बताते हैं। पर एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगा जिसमें अगर ब्लड टेस्ट है आप सब कराते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा या सीटी स्कैन होगा। अच्छा सरीन साहब, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये जरूर मानता हूँ कि एक सिम्टम्स और एक फेज जरूरी है, बट अगर आदमी कहता है मेरा आज दर्द ठीक नहीं है पर बीमारी बढ़ रही है, सिम्टम्स आर नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ डिजीज, सो वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि अगर हमें बीमारी है और बीमारी के ऑब्जेक्टिव मेथड है, आप टायर के अंदर हवा भराते हैं कि भाई 20 पाउंड है तो उसका आप मीटर देखते हैं कि 20 है, या गैस आप लेते हैं तो चेक करते हैं कि कितने पर उसका मीटर गया। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि 5 मिलीमीटर तक का आप सीटी कराएं, हेलिकल सीटी करें, तो आप 5 मिलीमीटर का ट्यूमर या डिजीज पकड़ सकते हैं। तो अगर आप वही सिस्टम आयुर्वेदिक के लिए यूज करें तो नथिंग राइट। तो ये त्रिगुणा जी कुछ ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं कि उतना नापतौल नहीं होता, देखिए कुछ काम ऐसे चलते में हो जाता है। डायग्नोस्टिक जो चीज है वो आयुर्वेद वाले सब लेते हैं, डायग्नोस का एलोपैथी से कोई कंसर्न नहीं है, ये तो एक मशीनरी है। हम भी सारे टेस्टों की रिपोर्ट लेते हैं, जब ब्लड का टेस्ट हो देखते हैं मरीजों का और उसके मुताबिक चिकित्सा भी करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की अपनी पद्धति भी है, नाड़ी विज्ञान की है, जीभ देखना है, और ये जो मॉडर्न टूल्स हैं हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न टूल्स को हम एलोपैथी नहीं कह सकते, इसलिए उसका हम अपने टेस्टों के लिए, मरीज की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बात बताऊं, जी आपके पिताजी के पास मैं गया था आज से करीब 20 साल पहले, जी के पास उन्होंने नब्ज देखी मेरी, तो बोला कि आपके पास 30 साल पहले ब्लड डिसेंट्री हुई थी आपको। अब ये सिर्फ वैद्य बता सकता है, एलोपैथ नहीं बता सकता। आप अपना सवाल सरीन साहब पिक्चर जरा देखिए, ध्यान से देखिए, एक तस्वीर दिखा रहे हैं जी, दो पाए है, दो पांव है, उसमें पांव में ये ब्रेन से लीवर किडनी सब कुछ है, हमारा अंदर जो कुछ है सब कुछ है, दो पांव में है। अगर रामदेव जी ने बोला है ये धीरे धीरे टिपने से पेन भी नहीं होगा, आराम भी लगेगा, करने से वो सब ठीक हो जाएगा, हार्ट से लीवर, ये क्या होने सकता है? आपको क्या मतलब अरुणा जी, आपको क्या लगता है ये जो तस्वीर है ये दिखा रहे हैं कि आप ये हाथ में है, पाए में है, तलवे दबाएं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों का इलाज हो सकता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों का सब कुछ मानते हैं अब, तो ये तो या योग वाले बोलेंगे, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलता। सरीन साहब आपको क्या कहना है सरीन साहब इस बारे में? इन सब के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव से सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि हम उसको एक साइंटिफिक, जैसे त्रिगुणा जी ने भी कहा
मॉडर्न टूल्स जो है ना, इट्स लाइक ए कंप्यूटर लैंग्वेज, यू हैव टू यूज दैट लैंग्वेज. हम लोग नहीं करेंगे, यूएस वाला कर लेगा, कोई और कहीं से वही आयुर्वेदिक सिस्टम को असेस कर लेगा. रामदेव जी, ये रामदेव जी, ये फिर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं. आपको लग रहा होगा कि ये फिर से टेढ़े चलेगा. ये पूछ रहे हैं कि आप पाओ में अलग अलग जगहों पर दबाएं तो आपके शरीर में, हाथ में भी इलाज हो सकता है जी? हाँ, इस बार प्रश्न ठीक पूछा. इस तरह से बात करें तो बहुत मजा आएगा. मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति को कमर में दर्द हो, आपको मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना जी, ये यहाँ से दबाइए. मेरे पास में कोई भी कमर दर्द का पेशेंट ले आइए, इसको मैं जादू टोना नहीं कहता, इसका एक साइंस है. पूरे चाइना के अंदर ये साइंस वहां एक पैथी के रूप में चलता है, और मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ. अभी मेरे सामने एक मिनट के अंदर, मैं ये एक मिनट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से दबाइए, एक मिनट में कमर का दर्द अच्छा होता है, एक मिनट के अंदर. ये कुछ पॉइंट ऐसे है, देखिए इनके किया, और बाकी देखिए, बाकी ये सब एनर्जी देखिए, ऐसा देखो आप इसको एक देखो ब्रेन. हाँ, मैं उसकी आपने क्वेश्चन किया, मुझे उत्तर तो देने दीजिए. आप देखिए, आप यदि ये एनर्जिक पॉइंट है, हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम है वो हमारी बॉडी का, वो पूरा का पूरा एनर्जी बेस के ऊपर है. तो आप उसको आप मत मानिए, अलग बात है. ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे अंदर की एनर्जी के फ्लो को बढ़ाते हैं, और उसके एनर्जी के फ्लो को बढ़ा करके हमारे रोगोपचार में हमारी मदद करते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर हजारों ने लाखों लोगों पर इसके ऊपर इसके ट्रायल किए. आप इस तरह से एकदम से मजाक में मत उड़ाइए किसी साइंस की बात को जी. आप इस बहस में हिस्सा लेना चाहें, एमयू के लिखें 6388 पर एसएमएस करें. सचिन सारथे हैं कोल्हापुर से, कह रहे हैं कि देसी दवा को कड़ी निगरानी में बनाना चाहिए. फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का. शरीर से आत्मा का इलाज करते हैं या आत्मा से शरीर का इलाज करते हैं? प्राणायाम मैंने भी किया है, मेरे काफी फर्क पड़ा है मैंने, पर आपकी कोई दवाई नहीं. जो काम स्वामी रामदेव ने पिछले 3 सालों में किया, और 1 करोड़ लोगों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से, और 25 करोड़ लोगों को मीडिया के माध्यम से जो योग सिखाया, यदि ये काम कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता. मुकाबला में आज गर्मा गर्म बहस, क्या बाबा रामदेव पर उठे सवालों के बाद देसी इलाज पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. ये दौर है जनता जनार्दन का, ये लोग अपने सवाल पूछेंगे खास मेहमानों से. रामदेव जी से पहला सवाल पूछे सर. मेरा प्रश्न ये है रामदेव जी से कि आपके प्रति इतनी जो घृणा युक्त वातावरण पैदा करने वाली जो बृंदकारता है, उसको क्या कोई इस प्रकार का कोई सबूत मिला आपकी मेडिसिन के द्वारा कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है या उससे ज्यादा घोर बीमारी में पड़ गया है? और अपने आप जो सैंपल उठा के लेके चल पड़ी है, क्या कोई डिपार्टमेंट नहीं थे? कोई इसका जवाब देने की मैं इसलिए जरूरत नहीं समझता कि मैंने लोगों मेरे मैंने जिन लोगों को ठीक किया है उसमें हजारों डॉक्टर हैं, सैकड़ों हमारे जुडिशरी से जुड़े हुए जजेज हैं, इस देश के बड़े बड़े जो है वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो अंधविश्वास को कहते ही नहीं मानते लेकिन विज्ञान को मानते हैं. और इसीलिए आप टोटल टीवी चैनल देख लीजिए, आप मार्केट में जाकर के देख लीजिए, इस देश के अंदर 95% से लेकर के 99% लोग स्वामी रामदेव की बताई हुई चिकित्सा विधा से लाभान्वित हैं. और मैं आपको एक बात, ये मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ, यदि जो काम स्वामी रामदेव ने पिछले 3 सालों में किया, और 1 करोड़ लोगों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से, और 25 करोड़ लोगों को मीडिया के माध्यम से जो योग सिखाया, यदि ये काम कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता, इस तरह से अपमानित नहीं किया जाता. क्या ये महिला बैठी है जी, पूछिए आप सवाल. कि क्या आयुर्वेदिक और योगा को प्रमोट करने के लिए कोई राइट डायरेक्शन या राइट पॉलिसी के बारे में आप सोचते हैं? आप इतने पॉजिटिव हैं, लोगों की इतनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया है आपके बारे में, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है संक्षेप में जी? जी भैया जी, देवांग जी, देखिए मैंने इसके लिए अपना अभी लगभग मेरा पतंजलि योगपीठ का जो प्रथम प्रोजेक्ट है वो इसी रिसर्च के लिए है कि योग और आयुर्वेद पर आधारित रिसर्च करो. आपको मैं अभी यही बता सकता हूँ कि 100 करोड़ से ज्यादा का मेरा प्रोजेक्ट इसी काम के लिए है, टोटली इसी काम पर कंसंट्रेट है कि इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक काम करें. और फिर इस तरह से जो उलझुल बातें उठाने वाले लोग हैं इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, हम काम करेंगे और ये जो बहन कह रही है वो काम अपने आप हो जाएगा. आप शरीर से आत्मा का इलाज करते हैं या आत्मा से शरीर का इलाज करते हैं? देखिए हमारा अस्तित्व केवल आत्मा नहीं है, मैंने पहले इस बात को कहा कि हमारा फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, हमारा संपूर्ण अस्तित्व 5 कोशों से बना हुआ है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है कि केवल फिजिकल फिटनेस स्वास्थ्य नहीं है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, माने संपूर्ण हमारा जो आरोग्य है उसका एक बिंदु केवल आत्मा नहीं है. योग शरीर और आत्मा दोनों को ट्रीट करता है.
या बीच में सबसे पीछे जी पूछिए पूछिए सवाल। सवाल प्रवीण घोष जी से है। प्रवीण घोष जी ने बार बार एक पुस्तक का दिखाकर बार बार ये पूछा कि ये बाबा जी ने ये कहा है ये इससे बीमारी ये ठीक हो जाती है, ये सब बाबा जी से पहले तो पतंजलि योग और चरक संहिता में, इसका मतलब आप उन जो हजारों वर्ष पुराने खा गए हमारे पुराने पूछेगा ना। अगर सोच लीजिए बाबा जी ने अभी बोला है क्या आत्मा मरणशील नहीं है, मगर आपको क्या बोलेगा भाई 7-8 में जो पढ़ता है ना उसके भी मालूम है जो दिमाग मरता है आपको तो मालूम है ना, चिंता मरता है आपको तो मालूम है, मरने का बात ही सब मर जाता है। अगर आत्मा किसको कहते हैं आप गीता से विवेकानंद तक आइए, जिस धर्म में जाएगा उसमें ही बोला है आत्मा इक्वल टू चिंता चेतना या चैतन्य या मन। अगर आत्मा एक मिनट मन मरेगा तो आत्मा भी मरेगा, आत्मा तो मर ही नहीं। स्वामी अग्निवेश आपका विश्वास एक मिनट, हमारे पास स्वामी अग्निवेश जी आप क्या कहना चाहते हैं, आत्मा पर सवाल हो रहा है जी। नमस्कार महाराज जी, मैं जी देखिए प्रणाम महाराज जी आपको प्रणाम नमस्ते जी। नमस्कार महाराज, मूल बात यह है कि स्वामी रामदेव जी ने अपने दिव्य योग फार्मेसी के माध्यम से और दिव्य योग साधना का जो भी उन्होंने योग का प्रचार किया है उससे करोड़ों करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है, इसके ऊपर विश्वास बढ़ा है। भारत में आज एक क्रांति आ रही है, सामाजिक क्रांति तो नहीं ला पाए हम, लेकिन योग के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जो बात वो कह रहे हैं, कोका कोला जैसी कंपनियों के खिलाफ उनकी आवाज़ में इतना वजन है जी कि लाखों लाखों बच्चों ने इस प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन बंद कर दिया जी। अब हम इनको इस बात का श्रेय दें और इनको और बढ़ावा दें बजाय इसके कि हम इनका मजाक उड़ाएं या इनके साथ कोई ऐसा खिलवाड़ होने दें, हमारा सबका काम ये बनता है जी। जी सवाल पूछिए आप। बाबा जी क्या ये लॉजिकल ट्रीटमेंट है, आप बोल रहे हो कि इससे कैंसर ट्रीट हो सकता है, क्या वाकई हो सकता है? देखिए ये मैं कह रहा हूँ ये एक साइंस है टोटली। आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम है जो आप एक बैक्टीरिया के समुद्र में रहते हैं, यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप इस बात को महसूस करेंगे, आपके भीतर तरह तरह के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हर पल होते रहते हैं। आपका यदि डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप कैंसर जैसी बीमारियों को भी खुद ब खुद आपके इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है उनको ट्रीट करता है। और इस तरह से मैंने ट्रीट किया, उनके मेरे पास पूरे के पूरे मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उनके पूरे टेस्टिंग रिपोर्ट है। ये पूछ रहे हैं कि ये प्रवीर साहब पूछ रहे हैं एड्स का भी कोई इलाज है क्या आपके पास? एड्स के बारे में मैंने आज तक कोई टिप्पणी नहीं की है, इसलिए उसके बारे में अभी भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एड्स के बारे में मैं कभी भी कुछ नहीं कहता। पूछना चाहता हूँ घोष साहब से कि आपके पास आपके बंगाल में आपका नॉर्थ जो बंगाल का इलाका है वहाँ पे बंगाल का जादू चलता है, सब लोग जानते हैं, जैसा भी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, तो आप उसके माध्यम से ये सब सवालों का जवाब क्यों नहीं निकाल लेते हैं? वैसे भी इस लोगों सबसे नमनीय है, जहाँ युक्ति जहाँ लॉजिक वहीं झुक जाएगा हम लोग, तो हम लोग तो ओपनली खोजते हैं जो क्या सच है जी। जो कुछ बोलेगा सब कुछ प्रश्नातीत अनुगत से हम लोग ले लेगा, ये सब कभी नहीं करते है, क्वेश्चन करेगा। पूछे सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि स्वामी जी ने इतना बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं, सारे देश विदेश में उसको मान रहा है, लेकिन छोटा सा सवाल खड़ा हुआ है कि जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं दवा बनाने में उसका उसके शीशी पर लिखा नहीं होता, तो मेरा एक सवाल है स्वामी जी से कि आखिर इसको लिखने में दिक्कत क्या है? स्वामी जी देखिए मेरी दवाओं में मैंने पहले भी बताया इस बात को कि जो भी मेरा पेटेंट योग है सबके ऊपर लिखा रहता है। अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लॉ नहीं बना था कि जो हमारी क्लासिकल मेडिसिन है उनको भी दवाओं पर लिखा जाए। वैसे मैं आपको इस बात को दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, अभी पेटेंट योगों पर मेरा लिखा रहता था इंग्रेडिएंट्स, लेकिन आगे मैं खुद अपनी तरफ से पहल करके और सारे आयुर्वेद वाले जगत के लोगों से आह्वान करता हूँ कि क्लासिकल मेडिसिन पर हम लिखना शुरू कर दें, जिससे कि इस तरह की बेकार की बहस होनी बंद हो जाए, हम लिखना शुरू करेंगे। बता दूं ये जो एक्ट है 1940 के एक्ट के तहत जो पेटेंटेड दवाइयां हैं उनमें तो लिखना पड़ेगा, लेकिन जो आयुर्वेदिक क्लासिकल प्रिस्क्रिप्शन है जो चरक और इन सबके आधार पर बंदे उनमें देने की आवश्यकता नहीं है। ये अगला सवाल जी पूछिए आप सवाल अपना। बाबा जी नमस्कार, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ अगर प्राणायाम से ही सारी दवा अगर हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो फिर दवाई की क्या जरूरत है? मैंने प्राणायाम मैंने भी किया है, मेरे काफी फर्क पड़ा है मैंने, पर आपकी कोई दवाई नहीं है।
हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ और हर दिन मैं इस बात को कहता हूँ कि 99% बीमारियां हमारी प्राणायाम से अच्छी हो जाती हैं। कुछ जो लोग जल्दी लाभ पाना चाहते हैं वो आयुर्वेद की, एलोपैथी आदि की दवाई लेने के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं। और यदि कोई आदमी कैंसर से जूझ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि कैंसर से हर साल दवा खाते खाते और क्यूमो रेडिएशन लेते लेते भी 400,000 लोग मर रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम से अपने देश के अंदर 300,000 लोग हर साल मर रहे हैं। यदि उस तरह के रोगी यदि दवाई भी लेते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस इतनी सी बात। आप अपना सवाल पूछें। मैं योगा से बहुत फ़ायदा हुआ है आपके योगा बताए हुए योगा से, तो अस्थमा की जैसे पेशेंट हूँ, लेकिन योग पे नहीं जाती। आप योग में बहुत पहुँच चुके हैं, बहुत आगे। आप जब ये वाद विवाद में आए तो आप पेप्सी और कोक के पीछे क्यों, आप मतलब पेप्सी और कोक के को क्यों चुना, किस आधार के ऊपर आपने पेप्सी और कोक के ऊपर कटाक्ष किया? सर, आपके शिविर के बाहर पेप्सी का स्टॉल लगा, आप बोलते हैं कि पेप्सी से टॉयलेट धो, लेकिन आपने बाहर गेट के आगे क्यों स्टॉल लगवाया? मेरे हस्बैंड पेप्सी में है और उसी एरिया में आपके एरिया में है, तो वो लोग बहुत ज्यादा, आपने बार्गेनिंग भी की, हमें फायदा होना चाहिए। देखिए, मेरे यहाँ पेप्सी और कोक को जो है कोई स्टॉल नहीं लगाया जाता। यदि आपके हस्बैंड ने मुझे पता लग गया होता तो मैं तुरंत उनको गिरफ्तार करके थाने भिजवा देता। जी जी संक्षेप में आप रामदेव जी, किस आधार पर आपने इन कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कहा, बहुत संक्षेप में? देखिए, इस बीमारियों का मुख्य कारण जो है हमारा आहार है, हमारी सोच है। पूरी की पूरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और पश्चिम की सोच के कारण से, नकारात्मक सोच और वासनात्मक वातावरण के कारण से, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक के कारण से, आज अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक और जो है ये सारे वेफर आदि बंद हो गए, क्योंकि इनके कारण से मोटापा, ओबेसिटी और कैंसर जैसे रोग होते हैं। ये हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी इस बात को बता चुकी है। इसलिए इनसे बीमारियां पैदा होती हैं और देश का धन, देश की संपत्ति बर्बाद होती है, बाहर जाती है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। मुकाबला में आज गर्मा गर्म बहस, क्या बाबा रामदेव पर उठे सवालों के बाद देसी इलाज पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हम देखें आज की बहस का सार क्या निकला। हम सबसे पहले जानेंगे सरीन साहब से। सरीन साहब, ये जो व्यवस्था है चिकित्सा की, उसको आगे और क्या करना चाहिए ताकि इसकी विश्वसनीयता और बढ़े? देखिए, ये बात तो क्लियर है, सब लोग मानते हैं कि सारे सिस्टम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। यूएस वगैरह में, एनआईएच में ये अल्टरनेटिव सिस्टम्स, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पर ये बात निश्चित है कि हर मेडिसिन के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी, इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पे हम लोग, क्योंकि अगर एक भी आदमी को नुकसान है, मतलब आप चाहे 100,000 मरीज ठीक कर लें, पर एक भी अगर उससे बिगड़ जाए तो वो एक क्यों बिगड़ा, अगर हम वो ठीक कर लें तो वन मैंस फूड कैन बी अदर मैंस पॉइजन। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि नुकसान नहीं हो। मेडिसिन का सिद्धांत यही है, नो हार्म ओनली डू गुड। इफ यू कांट ट्रीट, अगर आप नहीं इलाज कर सकते तो रुक जाइए। अब जैसे कैंसर है या हार्ट ब्लॉक है, उसमें तो आप नहीं कर सकते, स्पेसिफिक थेरेपीज चाहिए उसके लिए। आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, हम एक चीज पर जरूर कहेंगे कि एक पद्धति में एक प्रकार की रिसर्च की व्यवस्था है, आयुर्वेद में उस प्रकार की रिसर्च की व्यवस्था क्यों हम जोर दे रहे हैं? कि सिर्फ इसलिए कि पाश्चात्य देशों में उस प्रकार की व्यवस्था होती है और वहां पर क्रेडिबिलिटी पाने के लिए, हमको कोई जरूरत नहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पाने के लिए। हमारे करोड़ों लोग जो ठीक हो रहे हैं वो क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं हमारी व्यवस्था। स्वामी जी, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर लाखों ऐसे भी डॉक्टर हैं जो झोला छाप डॉक्टर हैं हमारे देश में, वो भी देसी डॉक्टर ही कहलाते हैं। क्या किया जाए ताकि ये जो इलाज की व्यवस्था है इसकी विश्वसनीयता बढ़े, संक्षेप में? देखिए, इस प्रकार हमें तमाम जितने भी अच्छे अच्छे योग के माध्यम से अथवा आयुर्वेद के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठित करना चाहिए। और जैसे मुझसे पहले अभी डॉक्टर त्रिगुणा बोल करके गए, केवल 3% पर इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, इनके प्रति बल्कि महसूस है और उसको हम इतना महत्व भी नहीं दे पा रहे। प्रवीर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आखिर में, आपको क्या लगता है ये अगर जो चीज़ है जो सालों से चली आ रही है, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता कैसे बने? अभी तक तो नहीं बना है जी, कैसे बने, क्या क्या करना चाहिए? बनने के लिए पहले तो चाहिए आयुर्वेदिक कैसा होता है, क्या क्या है, मिलावट है क्या नहीं,
वो तो जांच करेगा तो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, उससे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मानेंगे। जी हम लोग सीधे चलते हैं नासिक, हमारे साथ बाबा रामदेव भी वहां पर हैं। रामदेव जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सारा विवाद अभी उठा है, क्या इससे कुछ पॉजिटिव सकारात्मक चीजें भी आपको निकलती हुई दिखाई दी हैं? मैं श्रद्धेय स्वामी अग्निवेश जी की बात को दोहराता हुआ ये कहूंगा कि हमारी सरकार को आयुर्वेद के पैरामीटर्स बनाने में, क्वालिटी कंट्रोल करने में, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में, और इसके लिए जो काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन करने में अपना बजट जो है, जो ठीक कह रहे थे कि 97% आयुर्वेद को बजट देना चाहिए और 3% एलोपैथ को, मैं उन्हीं की बात का समर्थन करता हूँ, जिससे कि ऋषियों की करोड़ों वर्ष पुरानी योग विद्या दोबारा से अपने पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो और भारत का भी विश्व में सम्मान बढ़े। बहुत संक्षेप में, ये लगातार आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, उसमें हिंसा भी हो रही है, क्या आप अपने जो अपने समर्थक हैं, जो लोग योग सीखते हैं, क्या आप उनसे अपील करेंगे कि इसको बंद किया जाए, ऐसा और ना हो? मैं पहले ही दिन से इस बात को कह रहा था कि मैं कभी भी हिंसात्मक विरोध का, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का पहले दिन से विरोधी रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं, यदि विरोध भी होता है तो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें हिंसा 1% भी नहीं होनी चाहिए। पर आप ये विरोध आगे जारी रहेगा कि ये बंद होगा? पहली बात तो यह है कि इस विरोध के लिए सीपीएम को माफी मांगनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हमने अनलीगल काम किया, लीगल वे में उनको जाना चाहिए था, सीपीएम को माफी मांगना चाहिए, तो विरोध तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, विरोध को मैं थोड़ी करवा रहा हूँ। आज की जो बहस है उसे ऐसा लगता है कि ये जो व्यवस्था है इस पर बहुत लोगों का विश्वास है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी आदमी का, इंसान का इससे नुकसान ना हो, और इसके लिए शायद जो इसके कायदे कानून हैं उनको और कड़ा किया जाना चाहिए। ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 6388। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।